रोडवेज बस स्टैंड से निजी वाहनों के संचालन की सरकारी योजना रविवार को पहले दिन रोडवेज कर्मचारियों के विरोध का शिकार हो गई। रोडवेज कर्मियों ने जयपुर से सवारियां लेकर अजमेर आई पहली निजी बस के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक तेज करण टांग की मौजूदगी में बस के चालक को विरोध के आगे निजी बस को बस स्टैंड के बाहर से ही खाली कराकर रवाना करना पड़ा। राज्य सरकार द्वारा आज से ही जयपुर में निजी बस सेवा को लोक परिवहन सेवा का नाम देकर संचालित किया गया था। इस योजना का शुरू से ही रोडवेज कर्मचारी विरोध कर रहे थे। आज विरोध सड़कों पर उस वक्त आ गया जब पहली निजी सेवा की बस अजमेर बस स्टैंड पहुंची। यहां पहले ही मौजूद रोडवेज कर्मियों ने निजी बस को बस स्टैंड में घुसने से रोक दिया। सरकार की योजना को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए इंटक, एटक और सीटू यूनियन के पदाधिकारी और सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मधुसिया मुर्दाबाद, मधुसिया मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। आज जब ये जो गाड़ी आई उसमें हमने देखा एक सादा कागज है जिसपे राजस्थान लोक परिवहन लिखा हुआ है, उसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है और कोई कुछ नहीं। एक हाथ से 136 रुपए दिए और वो पैसेंजर कह रहा है कि मैंने 3-4 बार मांगा, जब जाके उसने किशनगढ़ में मेरे को टिकट दिया और 3.5 घंटे में ये जयपुर से चल के आई ये गाड़ी एक्सप्रेस के नाम से। आज हमने प्रदर्शन किया है और आगे भी जब तक ये लोक परिवहन सेवा यहाँ से बस स्टैंड से अगर चलाने की कोशिश करेगी वसुंधरा, हम इसको किसी भी हालत में नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आज का जो है हमारा विरोध पूरे 2 साल के संघर्ष से, वसुंधरा जी ने अपने 2 साल के उत्सव समारोह के उपलक्ष्य में जो ये उपलब्धियां गिनाई हैं उसके विरोध में जो ये प्राइवेट बसें प्रतिक्रमण के लिए चलाई गई बसों को हम रोक रहे हैं। जो 2 बसें हैं 1184 1178 जोधपुर के लिए, इनको बस अड्डे पे हम नहीं घुसने देंगे। अन्यथा अगर ये सरकार इसी तरह से निजीकरण को बढ़ावा देती रही तो संघर्ष हम और तेज करेंगे। आज ही नहीं, हमेशा के लिए रोकेंगे इन बसों को। यात्रियों को इतनी दुविधा हो रही है कि यात्री, एक यात्री ने टिकट मांगा जो 3 बार मांगने पे एक टिकट दिया और उसपे भी हस्तलिखित, ना उसपे कोई सीरियल नंबर है ना उसपे कोई किराया है, किराया लिखा है वो हाथ से, जबकि टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से ये लोग ये पहले दिन से ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं।